हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका प्रिंसिप मॉर्निंग ब्लॉग में। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज मैं सुबह सुबह मार्केट जा रही हूँ। क्यों जा रही हूँ बताती हूँ आपको। हमारे यहाँ ना एक सुपर 99 मॉल खुल रखा है, वहाँ हर सामान 99 का है। बल देखने जा रही हूँ मैं, आज कल ही खुल रखा है, मुझे पता ही नहीं था, कल पता चला। जा रही हूँ वहाँ, क्या क्या सामान आ रखा है करके लेके आती हूँ। कुछ सामान आपको भी दिखाऊंगी, अगर अच्छा लगा तो तभी लेके आऊँगी, नहीं तो नहीं लेके आऊँगी। आप लोग ऐसे ही बने रहना मेरे साथ, मैं जाती हूँ। अभी जाने में ही हूँ मैं, पहुँच नहीं रखी हूँ मॉल में। धीरे धीरे चल रही हूँ ना, जल्दी जल्दी नहीं चल रही हूँ, आराम आराम से जा रही हूँ। आ जाओ आप लोग भी इस मॉल में ना, हर सामान 99 का है। बन जा रही हूँ मैं। ये रही हमारे यहाँ की मार्केट, ये है केशव प्लाजा। ये सिनेमा हॉल है। ये सब हमारे यहाँ की मार्केट है। आज मैं ना मार्केट अकेले आई हूँ, मिस्टर जी भी नहीं आए। मिस्टर जी से बोला मैंने चलो करके, आए नहीं हो। अभी नहीं पहुँची हूँ मॉल के बाहर से, हूँ जाती हूँ अब। ये यहाँ पर मॉल के पास आ गई, मैं जाती हूँ अब अंदर को। ये है सुपर 99 लिख रखा है, ऊपर बोर्ड लगा है वो। जाती हूँ अंदर को, अब सामान लेती हूँ मैं। ना आप लोगों को मॉल तो नहीं दिखा पाई, मॉल तो बंद है आज। कभी फिर आऊँगी, फिर दिखाऊँगी और चीज़ दिखाऊँगी बाजार में। जाती हूँ आगे को, अब और सामान भी लेना है ना। मॉल बंद है आज यहाँ का। अब मैं यहाँ से समोसे ले जाती हूँ ना। सासू माँ ने बोला समोसे लेके आना करके, मेरा बेटा भी बोल रहा था मम्मा समोसे लेके आना करके। जाती हूँ अब दुकान में आगे समोसे लेने। अब मैं यहाँ दुकान में पहुँच गई, समोसे लेती हूँ। भैया समोसे लेने गए हैं ना, मंगा रखे हैं मैंने समोसे। मिठाइयाँ भी लगी हुई हैं, सब मिठाई तो नहीं ले जा रही हूँ। आप लोग भी पसंद करो। यहाँ और भी कस्टमर आ रखे हैं चाउमीन मोमो खाने के लिए, आगे बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल में। इतना अच्छा बना रखा है इन्होंने अंदर। मैंने आलू के समोसे ले लिए, अब मैं घर को जाने लग गई है। सासू माँ की डिमांड पूरी होगी आज, कभी उनको भी खुश करना चाहिए ना। समोसे जो मंगा रखे हैं, एक समोसे जो नहीं ले जा सकती हूँ उनके लिए, समोसे तो ले लिए मैंने। आओ आप लोग भी खाओ समोसे। मेरा बेटा भी ना बोल रहा था मम्मा समोसे लेके आना करके, वो भी खाएगा समोसा। आप लोगों को भी पसंद है तो आप लोग भी आ जाना खाने के लिए। जा रही हूँ मैं अब घर को, थोड़ा सा आगे से और सामान भी लेना है ना, वो भी ले जाती हूँ। क्योंकि मॉल तो दिखा नहीं पाई आप लोगों को, मॉल बंद था तो मैंने बोला समोसे की डिमांड पूरी कर देती हूँ करके। मॉल फिर दिखाऊँगी आप लोगों को मैं। जा रही हूँ अभी मार्केट से घर को। अब मैं ना आगे परचून की दुकान में जा रही हूँ, थोड़ा सा रूम का सामान लेना है मैंने। आगे है परचून की दुकान, दिखाती हूँ आप लोगों को। दुकान में पहुँच जाऊँगी तो दुकान से क्या क्या ले रही हूँ करके मैं। ये मैं सामान लेने लग गई यहाँ से, अंकल जी मेरा सामान रख रहे हैं। एक किलो मलका भी ले आना। हाँ हाँ हाँ, लाल वाली मलका, काली नहीं लाल वाली ना, काली वाली बनने में टाइम लगता है। अच्छा अच्छा, अभी तो लाल वाली ली दो, फिर काली वाली अगली बार ले जाऊंगी। हाँ हाँ, मलका एक किलो, हाँ हाँ सही रेट लगाना। सर एक टांसेन दे दो। है, कितने पैसे हो गए मेरे? तुम्हारा हो गया 190। 190। आप लोग ऐसे ही बने रहो मेरे साथ, मैं अंकल जी को ना पैसे देती हूँ। मैं परचून की दुकान में से सामान लेके घर को जाने लग गई। अब बहुत ही तेज धूप हो रही है, सामान भारी भी हो रहा है, अपने झोला पकड़ रखा है। घर पहुंचने वाली हूँ, अभी पहुंच तो नहीं रखी हूँ, बाहर से हूँ कमरे के। घर चले जाऊँगी, फिर दिखाऊँगी अंदर जाके क्या क्या लिया करके।
मैंने पहुँच गई यहाँ रूम के बाहर से, यहाँ हमारा रूम है, यहाँ से अंदर को जाने लगी अब। अभी जाने में ही पहुँचने रखी हूँ। हम ना ऊपर रहते हैं दूसरी वाली मंजिल में, सीढ़ियों से ऊपर को जाती हूँ अब, सीढ़ी से ना ऊपर को जा रही हूँ। अभी जाने में हूँ, पहुँच गई मैं अपने कमरे में। मैं समोसे लेके घर पहुँच गई, मैंने समोसे लगा दिए देखो प्लेट में, ये रेड वाली चटनी है, ग्रीन वाली भी है। हमारे नान लोग अभी आंगनबाड़ी गए हैं, वो लोग आए नहीं हैं अभी, उनके लिए तो अलग से प्लेट में रख दिए मैंने सामान, दिए ठंडे हो जाएंगे करके ढक के रख दिए, जब आएंगे फिर खाएंगे वो लोग, अभी हम लोग खाएंगे। आप लोगों का भी समोसा खाने का मन हो रहा तो आ जाओ। हम लोगों ने ना समोसे खा लिए, समोसे खाने के बाद मैं छत में जा रही हूँ, मिर्च भी लगी है, थोड़ा थोड़ा पानी पी के आई हूँ। चटनी में ना मिर्ची हो रही थी, रेड वाली अच्छी हो रही थी, हरी वाली में मिर्ची हो रही है। मैं छत में चले गई, कपड़े सूख गए नहीं करके कि सुबह डाल रही थी, देखती हूँ कपड़े सूख गया नहीं करके, आप लोग ऐसे ही बने रहो मेरे साथ। ये हैं मेरे कपड़े, अभी नहीं सूखे हैं शायद, गीले गीले रख दे, नहीं सूख रखे हैं अभी, थोड़ी देर में उठा के ले जाऊँगी, फिर थोड़ी देर धूप सेकती हूँ अब। ये आज समोसा हो रहा हमारे यहाँ, छत में हूँ मैं भी, ये हमारा नानू भी आने वाला होगा, हमारा नानू भी आने वाला होगा आंगनबाड़ी से, अभी आया नहीं है वो, देख रही हूँ छत में से, वो नीचे रोड दिख रही है ना, वहीं से आता है वो, आ रहा है नहीं करके कहीं, अभी नहीं आ रहा है, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, अपनी दादी अम्मा के साथ गया है वो, उसकी दादी अम्मा भी वहीं बैठे रहती हैं उसके साथ, फिर लेने जाना पड़ता है ना, इस चक्कर से वो वहीं रुक जाते हैं, फिर कौन दौड़ता है उतनी दूर, एक बार वो जाने जाओ फिर लेने के लिए, आने वाले होंगे वो 12:30 तक आ जाएंगे, अभी नहीं आ रखा है। अब ना धूप सेकने का जैसा हो रहा है, ठंडा ठंडा होने लग गया, धूप सेकने के दिन आ ही गए, मतलब अब अंदर रहने में ठंडा लग रहा है बहुत ही ज़्यादा। अभी धूप में गई हूँ, नहाना धोना किया, कपड़े पे धोए, थोड़ा मार्केट गई थी, मार्केट से आने के बाद समोसे मोसे खाए, तो फिर ठंडा जैसा लग रहा था मेरे को, तभी मैं धूप में चले गई, मैंने बोला इसी कपड़े देखने के बहाने, धूप भी सेकी जाती है थोड़ा सा। अब मैं अंदर को जाती हूँ ना, और तैयारी भी करती हूँ, खाना वाना बनाऊँगी, सासू माँ लोग भी आ जाएंगे आंगनबाड़ी से, नानू ना हमारा आने के बाद खाना ढूंढते, मम्मी नानू को भातू दो बोलता है, भातू वो खाना ढूंढता है। मैं जाती हूँ अंदर को, खाना बनाती हूँ। अब मैं ना छत में से अंदर को जाने लग गई, और काम भी करती हूँ, मैंने खाना बनाना है, जाती हूँ नीचे को, आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहो। अब मैं ना छत में से अंदर को जाती हूँ, धूप काफ़ी देर तक सेक ली मैंने, खाना बनाने के लिए देर हो जाती है, सासू माँ भी उतने दूर से थक के आते हैं, उनके लिए पानी आनी रखे रहती हूँ, तब तक गिलास मारने तक खाना वाना बनाती हूँ, थकान हो रहता है दोनों को। हमारा नानू भी ना आने के बाद खाना ही नहीं होता है, मम्मा खाना दो करके, नहीं तो परेशान करता है बहुत ही ज़्यादा, खाना बना हुआ होगा तो खाना दे दूँगी जल्दी से, परेशान भी नहीं करेगा, फिर खाना खाएगा तो सो जाएगा, सुला दूँगी जल्दी से, दिन में सोता ही नहीं है बहुत ही देर तक। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।